बड़ी खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि अब एनडीए का जो गठबंधन है उसने शक्ल अख्तियार कर ली है बिहार में। जो हमारे सूत्र में जानकारी दे रहे हैं, पशुपति पारस यानी कि चाचा एनडीए से बाहर, 5 सीटें चिराग पासवान को और एक एक सीट जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा वो करके मुकम्मल गठबंधन होता दिखाई दे रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए राज, ये अभी बीच में आप ही दिखा रहे थे कि राज्यसभा की एक सीट मिल सकती है। हाँ। पशुपति नाथ को मैं समझता हूँ वही उनकी हैसियत है राजनीतिक तौर पर। हाँ। देखिए ये बदकिस्मती है कि एक परिवार को तोड़कर और एक बार एक को अहमियत देना और दूसरी बार दूसरे को अहमियत देना। पहले तो जीरो कर दिया चिराग पासवान को, अब जीरो कर दिया चचा को। तो इस तरह से मैं समझता हूँ म्यूजिकल चेयर्स भारतीय जनता पार्टी को नहीं खेलनी चाहिए। राजनीति है यही, व्यवहारिक राजनीति भी है क्या? और यही राजनीति हो रही है सामदाम दंडभेद की, इसे साधना होगा या नैतिकता भी जरूरी है? भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं, पहले भी लगाए जाते रहे हैं और भाजपा और भी ज्यादा संगीन किस्म के काम कर चुकी है। लेकिन ये जिम्मेदारी रामविलास पासवान की परिवार की भी है और जो परिवार वाली पार्टियां होती हैं उनके साथ ये समस्या होती भी है। जैसे ही उनका मुख्य नेता या तो तिरोहित होता है, हाशिए में जाता है या उम्र उसकी बढ़ जाती है, उसके बाद परिवार में झंझट शुरू हो जाता है और उसके बाद जो बड़ी पार्टी है जो उसका जनाधार हड़पना चाहती है वो खेल खेलती है अपना, जो यहाँ पे दिखाई पड़ा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।